बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं, वो भी दो तरीक़ों से। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। ये मेरे पास ब्रेड्स हैं, इनके किनारे हम अलग कर लेंगे और उस वाइट वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। किनारे जो हैं वो उनसे ब्राउन क्रम्स बनेंगे और वाइट वाले हिस्से से वाइट क्रम्स बनेंगे। ये ब्रेड के ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है, इससे भी जो ब्राउन क्रम्स हैं वो बनेंगे। तो इसको छोटे छोटे के पीसेज में काट लेंगे। ये देखिए, हाथों से छोटे छोटे जो पीसेज हैं वो काट लेंगे। अब ये मेरे पास है ब्लेंडर, ब्लेंडर में ये पीस डालेंगे इस तरह से। ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा भर दिए थे, जिसकी वजह से मुझे बाद में ग्राइंड करने में बहुत मुश्किल हुई, इसलिए आप इसको फुल मत कीजिएगा। थोड़े से इसमें ब्रेड के पीस डाल के इसको ग्राइंड करें, वो ज़्यादा इजीली हो जाता है। ये देखिए, मुझे निकालने पड़ गए थे। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे क्रम्स बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, आलू की टिक्की बनाने में ब्रेड क्रम्स बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और साथ में चिकन में भी काफ़ी, हर चीज़ में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए कितने बारीकी से, कितने ज़बरदस्त तरीके से हो गए हैं। ये देखें, चलिए दूसरे भी इसी तरह बना लेते हैं। ये मेरे पास ब्राउन वाली ब्रेड है, इसको भी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ग्राइंड हो गई है। चलें जी, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार नहीं हुई, इसमें ये नमी है। नमी ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, वो भी दो तरीके हैं। चलिए चलते हैं पहले तरीके की तरफ। जी जनाब, ये मेरे पास एक पैन है, पैन में जाएंगे वाइट क्रम्स। इनको हम 5 मिनट के लिए लो आंच पे अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म करेंगे। अगर नमी है तो उसको सेव नहीं कर सकते, नमी को ख़त्म करके इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके फिर सेव कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से ये बिल्कुल इसकी नमी ख़त्म हो गई है। अभी ये गर्म है, यहाँ पे अभी हम इसको सेव नहीं कर सकते, इसलिए इसको फैला देंगे और अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद फिर हम इसको जार में डालेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जो ब्राउन ब्रेड है उसके क्रम दूसरे तरीके से बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्रे है, ट्रे में जाएंगे ये ब्राउन क्रम्स। इनको हम अच्छी तरीके से फैला देंगे। अगर रात है तो ओवरनाइट के लिए इसको ऊपर कपड़े से ढांप के रख दें, अगर दिन है तो धूप में रख दें लेकिन ऊपर से ढांप के, इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। इसका मेन प्रोसेस यही होता है, इसकी नमी ख़त्म करनी होती है। अगर नमी रह जाए तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनकी नमी ख़त्म करके इनको सेफ करना चाहिए। ये देखिए, मैं बिल्कुल सेव हो गए हैं ड्राई, इनको मैं अब ये कटोरी में डाल लेती हूँ। ये हमारे बिल्कुल तैयार है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। ये इनकी देखिए थिकनेस कितनी ज़बरदस्त, किस एक एक पीस अलग है। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।